ये यहाँ पर लिखा हुआ था कि बिल्डिंग धोखादायक है, लेकिन उसको पेंट करके यहाँ पर वेलकम वेलकम लिखकर इसको मिटा दिया गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं स्कूल नंबर 70 जो कि IGM के पीछे जो स्कूल है उस एरिया में मौजूद है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये जो बिल्डिंग आप इस तरफ देख रहे हैं 1492A, ये जो एरिया है यहाँ पर, ये जो बिल्डिंग है, कहा ऐसा जा रहा है कि ये बिल्डिंग महानगर पालिका ने इसको धोखादायक करार देते हुए इसको नगर पालिका ने खाली करने का कई बार ऑर्डर जारी किया, लेकिन उनका कहना ऐसा है कि पिछले 4 सालों से नगर पालिका यहाँ पर फॉलोअप दे रही है कि ये बिल्डिंग धोखादायक है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी जान जोखिम में आ सकती है, लोगों की जानें बहुत कीमती है, तो इस बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए। लेकिन अब तक पिछले 4 सालों में किसी ने भी इस बिल्डिंग को खाली नहीं किया, कुछ ही फ्लैट ऐसे हैं जिन लोगों ने इसको खाली किया है। तो आज महानगर पालिका के अधिकारी खुद यहाँ पर आए और उन्होंने अनाउंस किया है बाकायदा कि ये बिल्डिंग धोखादायक है, आप इसको खाली कर दें, और उसके बाद जो उसकी कार्रवाई होगी, अगर रिपेयरिंग का ऑर्डर निकलेगा तो रिपेयरिंग का, या फिर अगर डेमोलिश का ऑर्डर निकलेगा तो डेमोलिश होगा। देखिए उन्होंने क्या ऐलान किया। 14/1 नागा 2 इस अति धोखादायक इमारत में रहने वाले सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि यह इमारत अति धोखादायक होने की वजह से महानगर पालिका ने इस इमारत का पानी पुरवठा और टॉयलेट पावर द्वारा मीटर निकालकर विद्युत पुरवठा खंडित किया गया था। इमारत में रहने वाले नागरिकों ने इमारत खाली न करके महानगर पालिका की कोई परवानगी नहीं लेके इमारत दुरुस्ती करने का काम शुरू किया है। इमारत में रहने वाले सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि दुरुस्ती के काम बंद करके इमारत जल्द से जल्द खाली कर दी जाए। इस दौरान कोई भी हादसा होए तो उसे महानगर पालिका जवाबदार नहीं रहेगी। अगर समझो हम कब्जे का मीटर 10 बार आए और सब लोगों को सूचना दे रहे हैं, भाई तुम प्लीज बाहर निकलो, अपनी जान बहुत कीमती है। अगर इसमें से हमने तोरण के पावर से टोटल पावर खंडित किया, पानी वाटर खंडित किया, तो भी एक लोग नहीं सुन रहे, कि महानगर पालिका पुलिस को पत्र दिया, लेकिन तो भी सुनना चाहिए, अपनी जान बचाना चाहिए, जान से बड़ी कोई कीमत नहीं है। कोई भी स्ट्रक्चर है ना, जब इलीगल बन रहा होता है या जब होता है ना, उसी में आपको सारे टेस्टिंग करने होते हैं, क्योंकि 4 माले की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, धोखादायक बना देते हो आप, उसके बाद ये बिल्डिंग को कितना साल हुआ मेरे को, तो जो भी हुआ सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक बात कर रहा हूँ। टाइम कितना अंदर, ये बिल्डिंग 4 साल से बिल्डिंग, अभी देखो ये गरीब लोग यहाँ पे है, 4 साल की बिल्डिंग का बोलते हैं, 12-13 साल हुआ होगा, कितना, 1 मिनट यहाँ का साल दिमाग सही है, 1 मिनट अभी, 1 मिनट आप बिल्डिंग वालों ने स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया था कैसी, करा तो रहे थे, आप कराए कि नहीं, कराए थे कि नहीं, इनको ही नहीं मालूम बिल्डिंग में रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जैसे डिक्लेयर कर रहे हो ये धोखादायक है, बेसिस खाली बता दो, क्या उधर से क्या बेसिस बताओ, हमारा इंजीनियर ने C1 कैटेगरी में दिया, कोई ना कोई इंस्पेक्शन नहीं, कुछ नहीं, रिपोर्ट नहीं, मैं फिर रिपोर्ट लेकर आऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनके इंजीनियर लाए थे, इनके इंजीनियर लाए थे ना, उनका रिपोर्ट क्या, उनका रिपोर्ट है क्या है, मेरे को बताओ ना, मैं इनको रिपेयरेबल है ना, कौन सा रिपेयरेबल है, मैं वही बोल रहा हूँ, एक चांस और दो, सुनो ना, एक चांस और, इंजीनियर ने हाथ उठा लिया, इनका इंजीनियर बोल रहा है कि मैंने जो किराया दिया, आपने पावर का कनेक्शन कट किया, आपने नल का कट किया, और उसने कब करी है, बिल्डिंग कितने साल पुरानी है, उसमें रिपोर्ट में मेंशन है, एक बार और, मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, एक बार और स्ट्रक्चर ऑडिट कराने दो, अभी इमीडिएट बेसिस पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, टोरेंट का मीटर निकालने को कर लगेगा ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप, मैं रिक्वेस्ट आपको कर रहा हूँ, टोरेंट का मीटर निकालने का इतना है, वो ठीक है, स्ट्रक्चर ऑडिट के लिए बोल रहा हूँ कि हम लोग करा लेते हैं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो पुराना रिपोर्ट गया, मेरी एक सीधी सी बात सुनो, मैं जब टोरेंट का मीटर निकाला उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये रिपेयर कर रहे, क्या कर रहे, वो गुड़गुड़ी से कलर मार, कॉस्मेटिक रिपेयर, आप मानते हो गए इसको, मैं मान रहा हूँ ना, कॉस्मेटिक रिपेयर वो जगह के टेक्निकल रिपेयर नहीं हो रहा, वो दिख रहा है, स्ट्रक्चर ऑडिट क्यों नहीं करा, अभी वही कह रहा हूँ, एक चांस दो ना साहब, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक महीने का चांस हो गया आपका, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पब्लिक, ऑल द रेसिडेंट ऑफ बिल्डिंग, गरीब है, कोई क्या करता है, वो बिल्डिंग बोल रही है कि मैं नीचे जा रही हूँ साहब, इनको बचा लो, नहीं इनको तो अभी खाली करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये बिल्डिंग खाली करके आप इनको रिपेयर करना है, क्या करना है, ये बिल्डिंग तो हम यही चाहेंगे, इनको
फाउंडेशन मजबूत नहीं रहेगा, बिल्डिंग खड़ा है जाकर ऊपर से कितना भी रिपेयर करो। देखो आपकी कार्रवाई में मैं कुछ बीच में बोल रही हूँ, आप अपनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन एक चांस दीजिए आप मुझे को, पब्लिक को जान में जोखम में डाले बेहतर है सर। एक महीना हुआ मीटर निकाल, एक महीने से क्या कर रही है बिल्डिंग में कुछ समझ नहीं है। इधर का क्यों निकले, इधर का क्यों निकलोगे, हमें क्या करनी है। पिछले 4 सालों से नगर पालिका इस पर फॉलोअप ले रही है कि ये बिल्डिंग धोखादायक है और इसको खाली किया जाना चाहिए। अब जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं उनका कहना ऐसा है कि हमने कुछ लोगों ने 2 लाख, कुछ लोगों ने 4 लाख, कुछ लोगों ने 6 लाख ऐसे जमा करके जो लैंड लॉयर है उनको, जो जिनकी ज़मीन है उनको बाकायदा उन्होंने पैसे दिए, लेकिन सालों साल हो गए अब तक बिल्डिंग ठीक तरीके से रिपेयर नहीं हुई। उनका कहना ऐसा है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से अगर आप उस तरफ देखेंगे तो सिर्फ ऊपर ऊपर से उसको रिपेयर कर दिया गया है, लेकिन अंदरूनी जो उसकी सतह है आप वीडियो में देखेंगे तो वो मजबूत नहीं। तो अब देखिए बिल्डिंग वालों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं कि वो क्या बोलते हैं और जो अधिकारी ने कहा वो भी सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। 1492 ये बिल्डिंग अति धोखादायक है, और जब उनके लिए हमको पता चला कि ये सीवन में है, ताबड़तोब महानगर पालिका पहुँची और उनके ऊपर है ना उसका न्याय जायजात लिया, और ताबड़तोब टोरंट पावर को पत्र दे के उसका 56 मीटर निकाल लिया और पानी पुरोठा खंडित किए और पूरे नागरिकों को सूचित किया कि प्लीज़ यहाँ पे अपनी जान बहुत कीमती है, प्लीज़ बाहर निकलो। ये बात महानगर पालिका ने चालू है। महानगर पालिका ये बात कब से कर रही है? महानगर तो काफ़ी पुरानी है, 4 वर्षों से महानगर पालिका इनसे 4 साल से लगातार नोटिस देती आ रही है, लेकिन ये बिल्डिंग पूरा जमीन के अंदर धंसती जा रही है, लेकिन वो महानगर पालिका को चिंता है कि भाई किसी की जान बहुत बड़ी कीमती होती है, इसलिए हम उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम प्लीज़ बाहर निकलो और रिपेयर करा लो, लेकिन वो लोग नहीं सुनना चाहते। तो अभी महानगर पालिका आगे क्या कार्रवाई करेगी अगर वो लोग खाली नहीं करते? अगर महानगर पालिका उसके ऊपर पुलिस को पत्र दे के सबको बंदोबस्त लेके उनको खाली करना जरूरी है तो आगे का कार्रवाई वही करेगी। कितने दिनों का टाइमिंग दिया या फिर आप कितनी बात? अभी इनको टाइमिंग कुछ दिया नहीं, इनको कम से कम टाइमिंग 4 साल से टाइमिंग ले रहे, लेकिन अभी तक कोई रिपेयर नहीं, कुछ नहीं, खाली लाली लिस्टिप लगाए बिल्डिंग का रिपेयर ऊपर किया लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन कभी बिल्डिंग अंदर धस सकती है। बिल्डिंग 81 की बांधकाम परमिशन वाली है। सुनने में आया कि ये बिल्डिंग धोखादायक है और नगर पालिका भी यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आई थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए आपको ये बता दूं, नगर पालिका की कार्रवाई आज से नहीं चालू है, काफ़ी दिनों से चालू है, लेकिन इस बिल्डिंग में होता क्या है कि इसमें 54 फ्लैट है लगभग, तो इन 54 फ्लैट्स में ये सारे लोग इंटरेस्टेड है रिपेयर करने के लिए, इनको पता है कि इनकी बिल्डिंग धोखादायक है, नोटिस लगी हुई है, रिपेयर करना है, लेकिन जब भी रिपेयर के लिए पैसे कुछ कलेक्शन होते हैं तो कुछ ऐसे नाम नियाद के लोग हैं जो लैंडलॉर्ड से मिले हुए, ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ना, ये रीडेवलपमेंट की पॉलिटिक्स हो रही है और सारी भिवंडी का ही यही आलम है। ये चाहते हैं कि बिल्डिंग डिमोलिश हो जाए और उसके ऊपर फिर नया कंस्ट्रक्शन हो और फिर से पैसा कमाया जाए। तो सलाउद्दीन अंसारी करके ये लैंड ओनर हैं यहाँ के, वो पीछे से काम कर रहे हैं और कुछ लोगों के साथ मिल के कर रहे हैं, और इन्होंने पैसा दिया रिपेयरिंग का, ये बिल्डिंग वाले इन्होंने 6 लाख रुपया दिया गया है, साल भर हो गया, और इसके अलावा भी कितना लाख दिया आपने? 6 लाख रुपया दिया गया, साल भर हो गया अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया, नया भी आया ना यार, 1.5-2 लाख रुपया नया भी आया। हाँ तो इन लोगों ने पैसा दिया हुआ है, उसके बावजूद बिल्डिंग रिपेयर नहीं हो रही। अभी रिपेयर के नाम पे देखो ये कॉस्मेटिक रिपेयर हो रहा है, टेक्निकल रिपेयर जिस तरह से होना चाहिए। बात बोल रहे हैं, इन्होंने कहा कि 6 लाख रुपया, इन्होंने कहा 2 लाख रुपया, इतने पैसे देने के बाद भी आप लोग इतनी खामोशी से बैठे हैं कि नगर पालिका ने ये, मैं इन लोगों की आंखें हमेशा से खोलता रहा हूं, लेकिन हमारे जो लोग हैं ना इनकी आंखें नहीं खुलती है, वजह ये है। और अगर ये पैसा सही से इस्तेमाल हुआ होता तो ये नौबत नहीं आती। कॉरपोरेशन का काम है कि भाई इनको बताना कि ये बिल्डिंग धोखादायक है, वो बार बार बता रहे हैं। कॉरपोरेशन अपने जिम्मे कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहती है। हाँ अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन? देखिए इसका जिम्मेदार जो शख्स इसमें पॉलिटिक्स कर रहा है उसको मानते हैं हम, क्योंकि बिल्डिंग वाले चाह रहे हैं कि इसमें पैसा दे, बिल्डिंग वाले चाह रहे हैं, बिल्डिंग को कमजोर किया जा रहा है। हाँ बिल्डिंग कमजोर नहीं, फिर पैसा क्यों दिया अगर अगर बिल्डिंग कमजोर? बिल्डिंग दिया गया, चलो भाई म्यूनसिपलिटी ये किया है, स्ट्रक्चर करी है, उसको देना है, उसके बाद रिपेयरिंग करना है, जो कमी उसको पूरा करना है, इसके लिए पैसा दिया गया। यानी कहीं ना कहीं आप लोग कमजोर नहीं है, लेकिन वहाँ पे कॉलम फटा हुआ है,
आप इस पर क्या कहना है? हाँ, कालम बना तो उसके लिए इसीलिए 6 लाख रुपया दिया गया था ना। तो कालम बना क्यों नहीं रहे? हाँ तो वही तो इनकी कमी है, सब पैसा साल भर से इधर उधर दहने बाएं घुमा के अपने काम किए हैं। देखो रिपेयरिंग होती है कॉलम में, अगर क्रैक्स हैं तो जैकेटिंग होके कॉलम खड़ा होता है डबल से। ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है, मेरी 119 नंबर बिल्डिंग है, उसमें भी मैंने इसी तरह की कंडीशन थी, इतनी वर्स्ट नहीं थी, लेकिन उसको भी रिपेयर करके उसको धोखादायक से बाहर किया और वापस से जो रेसिडेंट है वहाँ पे रिहैबिलिटेड हो गए। तो इस बिल्डिंग में मसला ये है कि 54 लोग हैं, सबका दिमाग अलग अलग है और दिमाग ख़राब करने वाले लोग जो है वो अलग है, और इस पर चल रही है पॉलिटिक्स। ये मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कॉरपोरेशन या किसी के साथ मिल के अगर ये काम हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है कि भाई बिल्डिंग डिमोलिश होने दो, उसके बाद इस पर नई बिल्डिंग। अगर आपको करना है तो रेसिडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लो कि भाई आप ठीक है खाली कर दो और बिल्डिंग बनाना है, आपको इतना इतना शेयर मिलेगा, ये काम अच्छे से भी हो सकता है। और अगर नहीं करना है ये तो रिपेयरिंग अगर करना है तो रिपेयरिंग के लिए जिन लोग जिम्मेदार बन रहे हैं पैसा बराबर से हिसाब दें और रिपेयरिंग के लिए पैसा लगाएं। इतना पैसा जमा हो गया, ये देखो रेसिडेंट्स बोल रहे हैं उसके बावजूद ये काम हुआ है। कॉर्पोरेशन की लिस्ट मालिक है वो अपने पास तो पैसा नहीं लगा। कॉर्पोरेशन की लिस्ट में ये बिल्डिंग को C1 कैटेगरी में डाले हैं। मेरे को ये बताइए आप किसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं? मैं अभी पत्रकार के हिसाब से। आप पत्रकार के बिहाफ पे बोलिए। कॉर्पोरेशन की लिस्ट में इस बिल्डिंग को C1 कैटेगरी में डाले जी, और गवर्नमेंट के GR के हिसाब से C1 कैटेगरी को रिपेयरिंग की परमिशन नहीं मिलती। वेरी गुड। और उसके अलावा उसमें है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के बाद जो है वो रिपेयरिंग की परमिशन मिलती है। और इनकी मेरे हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड के हिसाब से अभी तक इन्होंने 3 अलग अलग स्ट्रक्चर रिपोर्ट जमा किया है, 3 अलग अलग, और उसके बावजूद भी जो है इनको जब रिपेयरिंग का परमिशन मिला तब उन्होंने परमिशन रिपेयरिंग नहीं किया। बराबर इफेक्ट है, पीरियड लैप्स हो गया। हाँ। अब जो ये रिपेयरिंग कर रहे हैं वो उसका परमिशन है क्या? सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हम यहाँ पे कॉर्पोरेशन की कार्रवाई को रोकने के लिए नहीं खड़े हैं। मैंने उनको जो हमारे प्रभाग अधिकारी आए थे उनको भी बताया मैंने कि आप अपनी कार्रवाई कीजिए, हमको थोड़ा और मोहलत अगर मिल सकती है, बिल्डिंग खाली करके भी मोहलत मिल सकती है तो दीजिए। और आपने जो बोला ना C1 कैटेगरी में डाली गई है, 2017 में एक प्रोग्राम हुआ था यहाँ पर, हुआ था अजय नगर में, उस वक्त हमारे मेयर साहब जावेद दलवी साहब थे, कमिश्नर साहब थे, उन सब से मैंने सवाल किया, मेरे पास क्लिपिंग है, कि आप जब किसी बिल्डिंग को डिक्लेयर करते हो धोखादायक और किसी भी कैटेगरी में आप डाल रहे होते हो तो उसका बेसिस आप नहीं बताते हो, आपने इंस्पेक्शन भी नहीं किया होता है, आपके पास एक ब्लैक जैकेट फार्मूला है कि बिल्डिंग इफ़ इट इज़ 30 ईयर्स ओल्ड तो इसको डाल दो धोखादायक में, या किसी बिल्डर से कोई साठ गांठ हो गई तो डाल दो धोखादायक में। आप C1 कैटेगरी बोल रहे हो डाला हुआ है, मेरे को बेसिस बताओ, किस बेसिस पे आपने C1 कैटेगरी में डाला? कॉर्पोरेशन बता दे। हाँ, आप कॉर्पोरेशन की जबान में बोल रहे हो तो मैं आपको उसी जबान में जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात, अगर ये धोखादायक में गई भी है विदाउट एनी इंस्पेक्शन, विदाउट एनी इंजीनियर रिपोर्ट, तो ठीक है, अभी इतना वक्त निकल गया, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि ये क्यों नहीं हो पाया रिपेयर। आप बोल रहे हो नहीं हुआ, लैप्स हो गया टाइम, वजह ये है कि लोग यहाँ पे लोगों का पैसा खा रहे हैं, रेसिडेंट्स आपके सामने बोल रहे हैं, हकीकत आपसे छुपी हुई नहीं है। तो इन सब होने की वजह से किसी का घर बेघर हो जाए तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा वक्त और बिल्डिंग खाली करके ही सही, थोड़ा वक्त और दिया जाए, हम लोग रिपेयर करेंगे। अगर इंजीनियर ये बोलता है कि भाई ये रिपेयरेबल है, कॉलम जैकेटिंग करके अगर हो सकता है या कुछ भी, तो हम लोग करने को तैयार हैं। इसमें गलती इन लोगों की है जिन्होंने पैसा उनके हाथ में दिया। कॉर्पोरेशन अपना काम कर रही है। ने आपको रिपेयरिंग का परमिशन दिया था? कॉर्पोरेशन ने दिया है, लेकिन हम और मोहलत मांग रहे हैं, हम कॉर्पोरेशन को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। आप वेरी क्लियर, आप बहुत क्लियर हो जाओ। कॉर्पोरेशन कितनी मोहलत चाहिए? 6-8 महीने और मिल जाएंगे तो हम इस पर बात करेंगे, और हमको अगर ऐसा लगेगा कि नहीं यार कोई एक राय नहीं कायम हो रही तो खाली कर देंगे, क्या बोलते हो? लेकिन कुछ वक्त और मिलना चाहिए। देखो थोड़ा इनह्यूमन हो जाता है कि आप किसी का पानी कनेक्शन कट कर दो, थोड़ा बिजली कनेक्शन, ठीक है जान का खतरा है, लेकिन ये सारी चीज़ें एमिकेबली भी हो सकती है, बैठ के बात करके इसको करके कर सकते हैं। इन लोगों की भी आंखें अभी खुल गई होगी कि जिनके पीछे ये लगे हुए थे 4 साल से कुछ हुआ नहीं, इनको मैंने पहले भी जगाया लेकिन ये जागे नहीं, और आज ये आखिरी वक्त है मैं खड़ा हूँ। 4 साल पहले भी मैं इनके साथ खड़ा था लेकिन इन्होंने कोई मेरी बात सुनी नहीं। वही मोहल्ले में, इसी प्रभाग में एक बिल्डिंग और है पीछे 119, आप जाकर वहाँ का हाल देखो कितनी अच्छी तरीके से वो रिपेयर होकर धोखादायक से बाहर हो गई है। तो मेरा कॉर्पोरेशन से सिर्फ यही निवेदन है कि बराए मेहरबानी कुछ बात करके उसको, कमिश्नर साहब से बात करके कुछ मोहलत मिलती है। इन लोगों को मैं समझाता हूँ मैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि कौन समझता है कौन नहीं समझता वो मुझको नहीं पता। 6-8 महीने की मोहलत की आप बात कर रहे हैं, उस 6-8 महीने में अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि खाली करके, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर
कॉरपोरेशन को लग रहा है इतनी डिलैपिडेट है कि आज ही गिर जाएगी, तो आज ही खाली करा दो, लेकिन उसको डिमोलिश मत करो, हमको वक्त दो, खाली करा दो, फिर रिपेयरिंग के लिए जी खाली कराने का ही अनाउंस करके गए हैं। जी डिमोलिशन में मत डालो उसको, रिपेयरेबल है तो हम लोग रिपेयर करेंगे। वो तो अभी खाली करने का ही ऐलान किया ना। जी बिल्कुल ऐलान किया है कि आप लोग इसको खाली कीजिए। जी बिल्कुल, वो आज से नहीं बोल रहे हैं, 24 घंटे का नोटिस कई बार लग चुका है। खाली किया बे, कल खाली कर दिया ना तू, ये आदमी कुछ लोग खाली भी कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिए खाली करना। आप देखिए और भाई मैं ये कहता हूँ कि कोई भी बिल्डिंग अगर डिलैपिडेट हो रही है तो वो प्रॉपरली शुरू से ही नहीं बनी होगी। कॉरपोरेशन उस वक्त कहाँ होता है जब बिल्डिंग बन रही होती है? ये सारे सवाल है जो कॉरपोरेशन को भी जवाब देने हैं। ठीक है, चलिए।